अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के नायक की प्रमोशन और उसका रैंक स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस करूंगा। वैसे तो पंजाब रेंजर्स हो या सिंध रेंजर्स हो, वहाँ पे जो नायक की प्रमोशन का क्राइटेरिया है वो सेम है। अच्छा, जो रेंजर्स के जो रैंक स्ट्रक्चर है वो पुलिस की तरह है, और उसका जो प्रमोशन होता है वो भी सेम लाइक पुलिस की तरह ही होता है। तो जो रेंजर्स के नायक हैं उनका जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो कुछ यूँ है कि प्रमोशन उसका डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट्स कितनी है। जितनी ज़्यादा वैकेंट सीटें होंगी इतनी ही जल्दी प्रमोशन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद प्रमोशन डिपेंड करता है सीनियरिटी के ऊपर, ठीक है। एक सीनियरिटी सिस्टम होता है, उसमें आप चलते रहते हैं, जब आपका नंबर आता है प्रमोशन में आप प्रमोट हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर है। जितनी ज़्यादा सीटें वैकेंट होंगी इतनी ही जल्दी प्रमोशन हो जाएगी। अच्छा, जो नायक की प्रमोशन होती है उसके बाद उसका अगला रैंक जो है वो हवलदार का है। उसमें मैक्सिमम 10 से 15 ईयर्स भी लगते हैं, ठीक है, और मिनिमम 5 ईयर्स भी लगते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर, वैकेंट सीट्स के ऊपर। जितनी सीटें ज़्यादा खाली होंगी तो ये नायक की प्रमोशन 3 साल के अंदर भी वो हवलदार बन सकता है। अगर सीटें फिल हैं, लोग रिटायरमेंट नहीं जा रहे हैं, आपकी सीटें ऑलरेडी फिल्ड हैं, तो फिर वो प्रमोशन बहुत स्लो हो जाती है, फिर वो 10 से 15 साल तक भी गई हुई है। ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट में तो 15 ईयर्स के बाद भी लोग प्रमोट हुए हैं, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो 3 ईयर बाद भी प्रमोट हुए हैं। ठीक है, ये लक पे भी डिपेंड करता है और ज़्यादा डिपेंड ये नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट्स के ऊपर करता है। अच्छा, नायक के बाद हवलदार बनता है। हवलदार री रैंक में कम से कम 5 से 7 साल लग जाते हैं नेक्स्ट रैंक लेने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल लग जाते हैं। इसमें भी सेम सिस्टम है, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट्स होंगी तो आपको हवलदारी में 3 साल बाद भी आपका नंबर आ जाएगा सब इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि नायक के बाद हवलदार है, हवलदारी के बाद अगला जो रैंक है वो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का है रेंजर्स में। तो ये नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सीटें ज़्यादा वैकेंट हो तो जल्दी नंबर आएगा, अगर सीटें कम वैकेंट हो तो बहुत ही लेट नंबर आ सकता है। अच्छा, इसकी जो ट्रेनिंग है वो 1 ईयर है पंजाब रेंजर्स में, और सिंध रेंजर्स में भी ये डिपेंड करता है 6 मंथ 8 मंथ किसी की 1 ईयर, ये इसमें वेरिएशंस हैं। ठीक है, इसके बाद जो रेंजर्स के नायक की ड्यूटीज़ और फैसिलिटीज़ हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसकी लिंक मैं आई बटन में भी दे देता हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं ये वीडियो। और इसके अलावा अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और अगर कोई चाहता है कि वो मुझसे कांटेक्ट करे तो मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक दे देता हूँ पेज के, इसी नेम से पेज बना हुआ है फेसबुक में, उसमें आप इनबॉक्स में मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।